नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भगवान से प्रे करते हैं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राम, किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। प्रभु, हमारी आपसे बस इतना ही विनती है। दोस्तों, आज दोपहर 3:58 बजे से देवों के देव महादेव जी अपना निराला खेल दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। जो मांगना है मांग लेना। देवों के देव महादेव जी अब आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3:58 बजे के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा घातक योग का निर्माण होने जा रही है, जिससे आपको सभी प्रकार के सुख मिलेगा। घर, गाड़ी, बंगला, प्यार, धन दौलत व अन्य सभी प्रकार के चीज अब आपके पास होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सभी ग्रह गोचर एवं आपकी कुंडली पर आधारित है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस राशि के जितने भी जातक हैं वो केवल परेशानी ही परेशानी, दुख तकलीफों का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके जून काल से सारी परेशानियां मिटने वाली हैं और आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज दोपहर 3:58 बजे से किन चीजों से आपको लाभ होगा, किन चीजों से आपको फायदा होगा, कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, कौन से उपाय करनी होंगी, किस तरह से समय के साथ चलनी है, कौन सा कार्य आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे आपकी लव लाइफ, आपका व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, आपके पारिवारिक माहौल में आपका दैनिक दिनचर्या, इन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से सुधार होंगे, कौन कौन से बदलाव होंगे, यह सभी जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। सबसे पहले देवों के देव महादेव जी और माता रानी पार्वती जी के जो भी सच्चे भक्त, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिखेगा, उनके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि वालों। आपने थंबनेल में देखा है कि आज दोपहर 3:58 बजे से देवों के देव महादेव जी अपना निराला खेल दिखाएंगे। जी हाँ, पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3:58 बजे से दो बड़े शुभ योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रही है, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके कैरियर में लाभ होगा, आपके व्यापार में लाभ होगा, आपकी नौकरी में लाभ होगा, हर तरह से लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है इस बात की कि जाने अनजाने में आप कोई गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों अपना भेष बदलकर देवों के देव महादेव जी आज आपकी परीक्षा भी ले सकती हैं। इसलिए हम आपको खास चेतावनी दे रहे हैं, समय रहते सतर्क कर रहे हैं कि आज आपको कोई भी संकेत मिले तो आप उस पर घमंड मत कीजिएगा और अनादर मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों सब कुछ उल्टा ही होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आज आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है, किस्मत का लिखा अब आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको उसे कैसे संभाल कर रखना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पारिवारिक मामलों में पूरी रुचि बनाए रखनी होगी और आपके अंदर अपने कामों को करने में जल्दबाजी रहेगी, जिससे आप कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए आज आपको इतना ध्यान रखना है कि आज आप क्या कर रहे हैं और कितना हद तक ये आपके लिए सही रहेगा। आज का जो दिन है रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आप एक लक्ष्य को बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, उससे आपको लाभ भी होगा और समय रहते आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे। आपकी साख चारों ओर बढ़ेगी और मान सम्मान बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप कार्यक्षेत्र में जो है कार्य से व्यवहार से जुड़कर मसले आज सुलझ सकते हैं, लेकिन आप किसी जमीन जायदाद की खरीदारी करते समय
उसके चल और अचल दोनों पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जी हाँ, आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए दंड मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए शॉपिंग पर लेकर जा सकती हैं, जिससे आपका धन भी खर्च बढ़ेगा और संतान भी आपसे किसी वस्तु की जिद कर सकती है। लेकिन आप किसी निवेश को बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, निवेश के लिए आज का दिन उतना खास नहीं है। अगर आपने पहले कहीं पर धन निवेश किया था तो आपको रिटर्न दोगुना मिल सकता है। जी हाँ, और अपने करीबियों के भरोसा जितने में आज आप कामयाब रहेंगी। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो इससे आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और व्यवसाय की कुछ योजनाओं को गति मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके अध्ययन और अध्यापक के प्रति रुचि बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाएंगे और आपको एक बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना होगा। आप लव के चक्कर में किसी बड़े लाभ को हाथ से न जाने दें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपकी किसी संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे और कुछ उन्हें विदेश से भी ऑफर आ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर चलना होगा। एक से अधिक स्रोतों से आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता अनुसार काम मिलने से आज आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने साथी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी में आज आपको ध्यान देना है कि छोटी मोटी बातों को पकड़कर चलेंगे तो दिक्कत हो सकता है। जितना हो सके इन छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके इस तो आपके लिए बेहतर रहेगा और इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। जी हाँ, आप अपने कामों में आज व्यस्त रहने के कारण अपने कुछ जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ सकती हैं, जिससे बाद में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़रूरी है, उसे आज सबसे पहले करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए बेहतर समय रहने वाला है। आप व्यवसाय के मामलों में किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपके रुके हुए काम आज अवश्य पूरे होंगे और जिसमें आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकती हैं, जिसमें छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का आपको अधिक से अधिक साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। भाग्य आज आपका तकरीबन 80% साथ दे रही है। सभी कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं, जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।